साइंस ने रिसर्च की है, एक इंसान की एवरेज उम्र 78 साल की मानी है, और इन 78 सालों में हमारे पास में सिर्फ 9 साल 6 महीने होते हैं। 84,000 घंटे हैं आपके पास, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। बाकी के साल कुछ इस तरह से हैं: 29 साल सोने में, 3 से 4 साल एजुकेशन में, 10 से 12 साल रोजगार में, 9 से 10 साल एंटरटेनमेंट में, 15 से 18 साल बाकी के जो भी काम है उसमें, जैसे खाना पीना, यहाँ वहाँ घूमना, कोई शौक का काम करना वगैरह में खर्च हो जाता है। यानी आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है वो सिर्फ 9 साल 6 महीने में ही कर सकते हो, 84,000 घंटों में ही कर सकते हो। 84,000 घंटे हैं आपके पास। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इन 84 घंटों का अगर आपने सही तरीके से यूज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो कामयाबी मिलेगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में कमाल कर जाओगे। नहीं तो अगर आप ये मानते हो कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, तो ज़िंदगी आपकी एक ऑटो पायलट चलेगी। यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, धक्के लग रहे हैं वो चला रहे हैं आपको। दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो ज़िंदगी का कोई हौस नहीं है। एक जैसे पानी में होते हैं, तो बॉडी को हम जब लूज़ कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो पानी जहाँ ले जाता हम जाते हैं। ठीक इसी तरह से ज़िंदगी हो गई है, बस ज़िंदगी ले जा रही है, जा रहे हैं, कोई पता नहीं हमें क्या काम करना है, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है अगले आने वाले सालों में, इतने सालों में मुझे ये करना है, कोई प्लान्स नहीं है। अगर आता भी है तो ये मान लेते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, यानी बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। जैसा अगर आपका आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कहीं दूसरी सिटी में जाना है, तो कैसे अवेयर होते हैं वहाँ? इस चीज़ को किस्मत से नहीं जोड़ते, वहाँ हम प्लानिंग करते हैं, एक मतलब प्लानिंग करते हैं टाइम की, कि ऑटो में इतना टाइम लगेगा, घर से इतने बजे निकलना है, ट्रेन इतने बजे है, फिर ट्रेन इतने बजे उस स्टेशन छोड़ेगी, वहाँ से मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करना है वगैरह। हमें ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना आता है, लेकिन हम यह ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं कि अगले मुझे आने वाले सालों में ये बनना है, इसे बनने के लिए ये सीखना है, इतना टाइम लगेगा सीखने में वगैरह। चलो मेरी बातों से कुछ लोग सोच भी ले कि हाँ मुझे ये बनना है, इसके लिए मुझे ये करना है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ होता ही है करने का। तो अभी मैं आपको बोल रहा था, आपको याद आ भी रहा होगा कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, शुरू नहीं कर रहे काम को। मैं आपको खुद पर विश्वास होने का ग्रेट एग्जाम्पल देता हूँ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक बौरा उड़ नहीं सकता, उसका शरीर बहुत भारी होता है, और साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग वो उड़ नहीं सकता, लेकिन ये बात बौरा नहीं जानता है, उसको नहीं पता। वो ये मानता है कि मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए वो उड़ पाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन खुद पर विश्वास का बहुत फर्क पड़ता है। आपके पास सिर्फ 84,000 घंटे हैं, तो जो आपको सही लग रहा है उसे शुरू करें बिना ज़्यादा सोचे। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को शुरू में ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सब कुछ शुरू में ही सही करना चाहते हैं। हम एकदम सही सब चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसे शुरू करें, धीरे धीरे पता लगेगा कि ये कमी है, यहाँ ये सुधार करना है, ना कि सोचने से वक्त बर्बाद करने में, क्योंकि रिजल्ट्स सोचने से नहीं एक्शन लेने से मिलेंगे। और यही कारण है कि साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स करती है, सोचती नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स सोचने से नहीं एक्शन लेने से मिलते हैं। जैसे आपको मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इस यूट्यूब चैनल की बात करूँ जिस पर अभी 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने वाले हैं, यानी कि 3 लाख लोग कुल मित्र से जुड़ने वाले हैं, अगर मैंने शुरू में केवल यही सोचा होता, यार मेरा तो बोलने का तरीका इतना खास नहीं है, मेरी एडिटिंग स्किल अच्छी नहीं है, मेरे पास तो माइक्रोफोन नहीं है, मेरे पास कंटेंट्स नहीं है, तो आज भी मैं सोचता ही रहता। लेकिन मैंने क्या किया, जो भी है एटलीस्ट शुरू किया, धीरे धीरे सब इम्प्रूव होता गया। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। अगर मैंने सारा टाइम सोचने में दिया होता तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने सारा वक्त जैसे भी हो शुरू करने में दे दिया। कई बार क्या होता है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं, यार मेरे को ये करना है, पर बस ये मेरे पास आ जाए ना
या फिर ये हो जाए ना एक बार तो बस उसको शुरू करूँगा। ऐसे करके महीनों बाद भी उनसे मिलता हूँ मैं, तब भी उनकी यही लाइन्स होती है कि यार ये हो जाए ना, मेरे पास ये आ जाए ना, तब मैं शुरू करूँगा। उनका वक्त सोचने में ही चला जाता है। शुरू में मेरे पास माइक नहीं था। लोग कहते हैं ना कि अच्छी आवाज़ रिकॉर्डिंग के लिए माइक चाहिए, माइक तो माइक होता है, इस तरह की बातें करते हैं हम। क्यों सलाह लेते हैं ना तो सलाहकार बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं नहीं नहीं ये तेरे पास ये आएगा तभी शुरू करना, मैं कहता हूँ जहाँ हो शुरू कर दो, एटलीस्ट जो भी काम हो आपका। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि माइक से ही सब होता है, इसके अलावा नहीं कर सकते। मैंने एटलीस्ट शुरू किया जहाँ से भी, मेरे पास जो भी था उससे। शुरू में मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता था, जो मोबाइल का माइक आता है उससे। अगर पीछे जाऊँ मैं तो जब मैं ब्लॉगिंग वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा था तब कभी मेरे पास लैपटॉप में 2G था, मेरे पास मोबाइल था उससे हॉटस्पॉट करके 2G चलाता था मैं। आज लोगों को 4G भी स्लो लगता है, लेकिन जो था जहाँ भी था शुरू किया। एटलीस्ट किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है वो छोटे से ही हुआ है। दुनिया में बड़ी बड़ी चीज भी ऐसे ही बनी है, एरोप्लेन, TV, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब जब शुरू में बने थे तो इतने बेटर नहीं थे जितने आज है। एक एग्जांपल मैं फेसबुक को लेता हूँ जिसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब फेसबुक बनी थी फेसबुक का लुक इतना बेटर नहीं था और इतनी वीक सिक्योरिटी थी कि बहुत आसानी से हैक हो सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। आप जहाँ पर भी हो, जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपके पास में जो भी है उनके साथ में जो कर सकते हो वो शुरू कर दो। टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इज्जत करो, आपकी ज़िंदगी में इज्जत होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है